आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको कौन कौन से फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। किडनी को हील करने वाले आज हम कुछ ऐसे ही फ्रूट्स के बारे में आपसे बात करेंगे जो आपकी किडनी की समस्या के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो आपको उन सारे फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल करना होगा जिनमें कि फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, रिच फॉलिक एसिड, विटामिंस और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हों। ये सारे पोषक तत्व आपकी किडनी की समस्या के लिए अच्छे माने जाते हैं। साथ ही इनका सेवन आपको कई अन्य शारीरिक परेशानियों से भी दूर रख सकता है। इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए आप सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, मूली, प्याज, तोरी, टिंडा, परवल और करेला जैसी सब्जियों को खा सकते हैं। वहीं फलों में आप अनानास, जामुन, सेब, पपीता, लाल अंगूर, ब्लूबेरी और रसबेरी जैसे फलों को ले सकते हैं। अब बात करें किडनी की समस्या में खाए जाने वाले ऑयल्स की, तो किडनी को हील करने के लिए जैतून के तेल को अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको किडनी की समस्या में आराम दिला सकता है। जैतून के तेल का यूज करने के लिए आप इसे सब्जियों में डालकर कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल में बनी डाइट भी हम किडनी पेशेंट्स को दे सकते हैं। किडनी की समस्या में आपको इस बात का काफी ध्यान रखना होगा कि आप प्रोटीन, पोटेशियम और सोडियम जैसे न्यूट्रिएंट्स को कम लें क्योंकि इनका ज्यादा सेवन आपकी किडनी की समस्या को और बढ़ा सकता है। तो अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हमारे द्वारा बताए गए इन फूड्स को डॉक्टर की सलाह से अपनी किडनी की समस्या में शामिल करें। अगर आप भी किडनी से रिलेटेड या फिर किसी भी अन्य समस्या से परेशान हैं तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने अब तक 1.5 लाख से अधिक मरीजों को ठीक किया है और आज वे बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।